और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और अब इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नारायण चंदेल के बेटे पर आरोप लगा है, छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। कल कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन करने वाली है और पूरे प्रदेश में पुतला दहन कांग्रेस करने वाली है। नारायण चंदेल का पुतला दहन किया जाएगा, सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होना है और इस प्रदर्शन में खास तौर पर विधायक मंत्री और सांसद तक शामिल होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। ममता, एक मौका हाथ लगा है और मौके को किसी भी हालत में सियासत में तो हाथ से जाने दिया नहीं जा सकता और यही वजह है कि इस बड़े मामले पर अब कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी और पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी के साथ इसको लेकर माहौल बनाने का काम करने वाली है। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे जो पलाश चंदेल है उन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और उसको लेकर जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वहां पर तो कंप्लेन हुई है, महिला थाने में भी FIR दर्ज की गई है और उसके बाद लगातार जो है इस पर सियासत शुरू है। अब कांग्रेस ने कल बेटी बचाओ बचाओ करके जो प्रोटेस्ट है वो करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी के सब तरफ से सब पूरे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए गए हैं, हर जिले में कल प्रोटेस्ट होगा और नारायण चंदेल का पुतला फूका जाएगा। और कांग्रेस ने का कहना है कि बीजेपी लगातार बेटी बचाओ आंदोलन बेटी बचाओ जो अभियान चलाती है तो ऐसे में उसे खुद के भी जो खुद भी उस पर अमल करना चाहिए और चूंकि नारायण चंदेल पर ये आरोप लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके साथ ही जो उनके बेटे हैं उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सभी विधायक मंत्री सांसद सभी से ये कहा गया है कि जिलों में जो प्रोटेस्ट होगा उसमें शामिल हो और नारायण चंदेल का फूका जाएगा। जाहिर तौर पर कुमारी शैलजा भी यहाँ पर आई हुई है प्रदेश प्रभारी, कल बैठक भी लेंगी और उसके बाद में ये भी है कि आगे भी इस मसले को लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो तय होगी और बीजेपी कांग्रेस जो है इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। इसके पहले भानु प्रतापपुर के मामले में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब लपका था और अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे का मामला है। एक चीज और आपसे ममता समझना चाहेंगे, बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या खुलकर इस पर आ रही क्या? देखिए बीजेपी जो है वो अभी अगर हम बात करें तो वो चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझ रही है और यही वजह है कि इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। और हालांकि डॉक्टर जो कवासी लखमा जो है वो उन्होंने भी आज ये कहा था कि जो नारायण चंदेल है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है आपस में वो वार प्रतिवार जो है वो बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए।